Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel. So welcome to my room tour. So yeah guys, this was again the most requested video and I love my room and everybody does. जो भी मेरे घर में आते हैं, मेरे friends, कोई भी, so मेरी room की तारीफ तो जरूर करते हैं. So I thought without any further ado, जल्दी जल्दी अपना room tour मैं share कर देती हूँ. Now this video is not at all for show off or something. अगर आपको अपना room बनाना है, आप build कर रहे हो, so you can take inspiration. वैसे तो मेरा room बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, but according to me, I am blessed to have this room. So yeah, without any further ado, let's get started. So guys, this is the door from where I enter. And ये जगह ऐसा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे बैग्स के साथ साथ कपड़े, हैंगर्स ये सब भी रहते हैं. So ignore this part. अभी तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. Now next, coming to this part, here I have quite a few books. अगर आप close up में देखना चाहो, the books which I have, and this tree is from tree plant, जो भी बोलो. This is separate planter and इसके अंदर एक pot है. So this is from IKEA. Mama लेके आई थी मेरे लिए. And ये तो एक celebration का डब्बा है, because it's golden and it goes, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है कभी कभी. So ये रख दिया है. There's a calendar. There's a frame जिसमें सिर्फ blue रखा है, nothing else. And these are some real flowers, जो कि luckily आज गणपति विसर्जन था तो वहाँ पे मेरे नेबर पे एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसने मुझे ला के दिया. तो ये बापा के वहाँ के फ्लावर्स हैं. They don't want me to touch. So इसमें roses हैं, बहुत pretty लग रहा है. तो मैंने फटाफट से इसके फ्लावर्स हटा के ये लगा दिया. It looks absolutely beautiful. Now, यहाँ पे आई डू हैव माई चेस्ट ड्रॉर, जो कि काफी बड़ा है, आपको समझ में आ रहा होगा. इट्स ऑलमोस्ट 5 feet, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 5 feet के आसपास का है ये. एंड इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एनी टाइम. सो इसे मैं अभी नहीं शेयर करूंगी, बाद में जरूर करूंगी. सो दिस वॉज द पार्ट. अभी चलते हैं इस पार्ट में, इस पे मैं थोड़ी देर बाद. नाउ गाइस, दिस इज अ होल फ्लोर लेंथ मिरर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. काफी ज्यादा प्रिटी है. मैक्सिमम सबको मेरा ये मिरर बहुत पसंद आता है. अभी तो मैंने हील्स पहना हुआ है, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट ऑफ माय हाइट. तो यहाँ पे ना ये सारे फ्लावर्स मैं डीमार्ट से लेके आई थी. एंड दिस क्या बोलते हैं इसे, वो क्या बोलते हैं, जो भी है ये लीव का ये स्टैंड जो होता है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर करा था. ये आपको मेरे रूम में काफ़ी जगह पे मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये मिरर बहुत ज़्यादा नया नहीं है, मैं जहाँ जहाँ भी रही हूँ ये मिरर रहा है मेरे साथ ऑलमोस्ट. सो यहाँ पे कारपेट है टू गो अलॉन्ग विद द मिरर. एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. नाउ मूविंग फ्रॉम मिरर टू दिस साइड, वी हैव अ वॉर्ड्रॉप ओवर हियर जो मैं ओपन नहीं करूँगी अभी. देन आई हैव माई स्टडी टेबल ओवर हियर एंड देन सम मिसलेनियस ये पेन्स एंड स्टाफ. नेक्स्ट आई हैव दिस फ्रेम्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था आई गेस, बट मीशो पे ये और भी सस्ता है. नाउ जब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, पढ़ती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना स्टिकी नोट जो है चिपका देती हूँ. नेक्स्ट मूविंग टू दिस साइड, ये कॉर्नर द मोस्ट एस्थेटिक बट बहुत प्रेशियस है ये पार्ट, क्योंकि मुझे अपने लाइट से बहुत ज़्यादा प्यार है. क्योंकि लाइक लाइट्स डू प्ले अ ह्यूज रोल. तो मेरे रूम में चारों तरफ बहुत ज़्यादा लाइट है, बट फिर भी ये लाइट्स मैंने पैसे देके खरीदे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. कबर्ड इस साइड था वैसा ही, इस साइड पे भी है एक. एंड ऊपर नहीं जाती हूँ, वहाँ पर मेरा योगा मैट है एंड सम कार्टून्स. बस यही है पार्ट. फिर इस जगह से यहाँ जाने से पहले मैं आपको यहाँ लेके चलूंगी. नाउ आप सबने शॉर्ट्स में मेरा ये एरिया जरूर देखा है. सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस पार्ट. ये ऐसा नहीं था, इट डजंट लुक गुड आई नो, बट ये बहुत ही प्यारा एस्थेटिक सा ऐसा कुछ दिखता था ये. एंड इट यूज टू लुक वेरी वेरी गुड, बट ड्यू टू फेस्टिव सीजन आई थॉट कि थोड़ा कलरफुल कर देते हैं एंड स्टाफ. But that was a very very wrong idea clearly, and now I can't do much thing. बाद में कभी करेंगे, so अभी के लिए इसे ignore कर देना please.
ये पार्ट है इसे मैंने खुद ने ड्रॉ करा है एंड उसका मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज यू नो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं बहुत सैड हो जाती हूँ बट अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी बिकॉज मैंने हमेशा ऐसा देखा है कि जब भी मैं कुछ व्लॉग के बिना अगर कुछ करती हूँ मैं उसको नहीं शो करती हूँ तो वो अच्छा टर्नआउट हो जाता है एंड सम हाउ आई रियली वॉन्ट कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो ये चीज़ देखे सो येस ऑल ऑफ अ सडन मेरा मूड ऑफ होता है एंड मैं कुछ ना कुछ करने बैठ जाती हूँ एंड वो अच्छा लगता है दिखने में. देखो इतना प्रिटी इतना परफेक्शन लाइक लुक एट दिस पार्ट इतना परफेक्शन के साथ आया है. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड या आई रियली रियली लव दिस पार्ट ऑफ माई रूम. ये मेरा सेकेंड फेवरेट है. वैसे तो बहुत सारे कॉर्नर्स ही मेरे बहुत फेवरेट है लेकिन इसे थोड़ा सा पर्सनल टच इसमें आता है इसलिए ये मेरा सेकेंड फेवरेट प्लेस है. नाउ मूविंग टू दिस पार्ट ये मेरा क्लोदिंग रैक है. दिस इज सपोज टू बी थोड़ा सुंदर बट इट्स नॉट लुकिंग नाइस. इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं है फेस्टिव वाला बट थोड़े बहुत है तो उसे मैं मैंने अलग से कुछ भी इसको डेकोरेट अभी इस वीडियो के लिए तो नहीं किया है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मुझे लगा कि चलो बना लेते हैं एंड थोड़ा बहुत क्रिस्पी ठीक है जितना बहुत भी मैंने साफ कर लिया उतना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहा है बट हाँ दिस इज हाउ इट लुक्स. जो ये पार्ट है ना ये चेंज होते रहता है इसे मैं चेंज करती रहती हूँ. नेक्स्ट कमिंग टू ये ऐसा ही रहता है. नाउ ये चेंज होता है क्योंकि अभी फेस्टिव है तो मैंने ऐसे जूतियाँ डाल रखी हैं यहाँ पे. नीचे में भी सेम इसमें मेरे वाइट शूज़ हैं एंड कुछ सिमिलर ऐसा रखा है फॉर कि अभी फेस्टिव सीजन है सो ऐसे रख दिया है अभी. अगेन दिस वन इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन. बहुत ज़्यादा रिकमेंड मैं इसे नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही फ्लिमजी है इधर उधर टेढ़ा हो जाता है सो विल नॉट रिकमेंड. ना इस कॉर्नर से इधर जाते मेरा बेड आ जाता है. इस चीज़ को इग्नोर कर देना प्लीज़. पहले बात करते हैं बेड साइड कॉर्नर की. तो यहाँ पे कैंडल है एंड देखो रात के कितने बजे मैं इस वीडियो को फिल्म कर रही हूँ. ये प्लांट्स ये कुछ आइकिया से है कुछ होम सेंटर से है कुछ डी मार्ट से है एंड ये एक बॉटल है कांच की बॉटल. इसमें कुछ मिसलेनियस ही रहते हैं जो भी मुझे फेंकना होता है मैं इस पर डाल देती हूँ एंड यूजुअली इधर प्लानर वगैरह भी रहता है बट अभी नहीं है. गाइस टाइमिंग के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना प्लीज़. अब बेड इज़ द मोस्ट मतलब बोलते हैं ना रिलैक्स. यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नींद आती क्योंकि एकदम से कॉर्नर में है एंड रियली आई एम समवन जिसे कॉर्नर में सोना अच्छा लगता है लाइक दीवार पे पैर रख के फ़ोन चलाना एंड ऑल दैट. आई रियली लाइक दैट. कमेंट डाउन अगर आपको भी अच्छा लगता है. ओह गॉड मैं कितना बोल रही हूँ. दिस स्टफ दिस इज अ स्टिकर सॉर्ट ऑफ अ थिंग पीवीसी. ये मीशो से है एंड दिस इज अ प्लेन वाइट बेडशीट वाइट पिलो कवर्स वाइट पिलो एंड इसमें यहाँ पे यूजुअली तीन चार कुशंस रहते हैं. मैं यहाँ पे एक इमेज प्रॉप अप कर दूंगी यूजुअली बेड मेरा कैसा दिखता है ऑन नॉर्मल डेज. आपको लगेगा कि मैं मतलब रूम टूर के लिए ऐसा कर रही हूँ बट नहीं. चलो मैं यहाँ पिक लगा दूंगी. ये कंफर्टर है डजन गो विद द थीम लाइक ब्लू है तो आई वांटेड ब्लू बट नहीं मिला. दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्पल थोड़ा रस्टी पर्पल टाइप का है एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें ऐसा चेंज होता है. Now the most favorite corner or बोल सकते हो most beautiful part of the room is this corner. This is how the corner looks like. मैं थोड़ा क्लोजअप में भी जाऊँगी. यहाँ पर ये सब मैं रखती हूँ सो दैट कि वो वायर्स वगैरह ना दिखे. And here am I. Hi. मैं बैठ के बताती हूँ. ऊपर वहाँ पे स्टोरेज है यहाँ पे भी स्टोरेज है. मैं यहाँ की लाइट ऑफ करके रखी हूँ सो दैट कि इसका व्यू अच्छा लग सके. एंड यहाँ पे भी स्टोरेज है यहाँ पे भी स्टोरेज है यहाँ पे भी स्टोरेज है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट योर ओन होम या अपना रूम तो ज़रूर से ऐसा कुछ बनाने का कोशिश करना बिकॉज इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड इस पर आपका सारा का सारा सामान आराम से आ जाएगा. थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ. यहाँ पे मेरे ना सारे मतलब पैम्पर वाले उस पर मेरे टिश्यूज़ रहते हैं लाइक वेट वाइप्स और वो सब. फिर यहाँ पे थोड़े शीट मास्क वगैरह इधर टॉल्स वगैरह. ये मेरे डेली के यूज़ के एक काजल एक ब्लश एक आई शेडो और ये आईब्रो के लिए दैट्स इट.
यहाँ पे मेरे थोड़े कुछ परफ्यूम एंड नेल पेंट्स, ये अभी तक ट्राई नहीं करा है तो करना है। इधर कोम्ब वगैरह, मसाजर, रोलर जिसे मैं अब यूज़ नहीं करती, मेरा दूसरा फ़ोन, इस पर कुछ ऐसी ज्वेलरी हैं जो ऐसे उतार के रखा है मैंने। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे सबसे पहले है श्रीमद् भगवद गीता, उसके बाद ये शोपीस है एंड कुछ रैंडम स्टफ़ पता नहीं यहाँ क्यों है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे डेली का जो स्किन केयर वगैरह होता है वो सब है, बाकी जो लिपस्टिक मैं जनरली यूज़ करती हूँ वो अभी भी मैंने वही लगाया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम ज़ुडियो। ये कैंडल एंड कैंडल होल्डर दोनों ही आइकिया से है। यहाँ पे आते हैं मेरे कुछ आई शेडो पैलेट, सारे नहीं हैं बट थोड़े बहुत हैं। ये ज्वेलरीज मैं डेली वेयर में, नॉट डेली वेयर मतलब जैसे कि शूट करना है कुछ इम्प्रोम्प्टू शूट तो फिर मैं वहाँ से पहन लेती हूँ, उधर ही रख देती हूँ। दिस कैंडल इज़ ऑल्सो फ्रॉम आइकिया एंड इट स्मेल्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, कुछ ऐसा है इसका नेम वगैरह मुझे नहीं पता। नेक्स्ट गाइस, टू हाइड एवरीथिंग, अब इस इधर जो भी है ना वो सिर्फ हाइड करने के लिए है। देखो यहाँ पे ना कोई भी वायरिंग नहीं है तो मुझे ये लाइट भी जलानी पड़ती है उस एक्सटेंशन से, फिर यहाँ पे भी जो भी है उसको भी छुपाना पड़ता है, तो वो छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। देख लो इतनी सारी चीज़ें हैं सिर्फ छुपन छुपाई करने के लिए। वो जो मिरर है वो एक साइड जूम रहता है मतलब मैग्नीफाई जैसा, एंड अदर साइड इज़ नॉर्मल, तो वो भी आइकिया से है। हियर आर सम मोर फ्लावर्स, एंड ये सारे फ्लावर्स भी डी मार्ट वगैरह से ही है, अगेन सेम। तो यहाँ पे और तो कुछ नहीं है ज़्यादा दिखाने के लिए, यहाँ पे कुछ है वो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ एंड फिर वीडियो को एंड करती हूँ। नाउ ये जो आपको हैंगिंग दिख रहा है ये बहुत ही 150 रुपीज़ के अंडर मीशो से लिया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम आइकिया, दिस इज़ फ्रॉम आइकिया एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम आइकिया। सो ये पूरा ही मम्मी लेके आई थी एंड दिस इज़ अ होल, बहुत ही प्यारा सा चीज़ बिकॉज ये रोज गोल्ड कलर का है एंड इट लुक्स गुड। अच्छा एक चीज़ तो रह गया विच इज़ दिस थिंग, तो ये भी काफ़ी प्रिटी सा है देखो। सो गुड वाइब्स एंड एक बटरफ्लाई, अगेन लीव्स फ्रॉम मीशो, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड एंड इफ यू डू सो देन प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, बाय।